वाले एपिसोड में आपने पिछले वाले उसमें देखा कि मैंने आपको दिखाया था आगरा का ताजमहल। अब शाहजहां को जब बंदी बना लिया गया तो उसको ताजमहल देखने लिए औरंगजेब ने जहां कैद किया है, तो मैं लेके आया हूं आपको आगरा फोर्ट। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब। तो पिछले वाले में आपने देखा था आगरा का ताजमहल, और अभी हम लोग हैं आगरा फोर्ट में, जहाँ एक बंदे की एंट्री फीस 35 रुपये ऑनलाइन में। तो ये भी सुबह 6 से शाम के 6 बजे खुला रहता है। और आगरा के ताजमहल से लेके यहाँ तक की जो इसकी दूरी है वह है करीब आपके 4 किलोमीटर। तो दोनों आसपास ही हैं, तो आज एक्सप्लोर करते हैं आगरा का फोर्ट। तो ये फोर्ट है जो मुगल वंश के राजाओं ने बनाया था, धीरे धीरे बनते बनते, मतलब हर राजा ने इस पर राज किया। अकबर ने भी किया, जहांगीर ने भी किया, शाहजहां ने भी किया, औरंगजेब ने भी किया। तो इसका कंस्ट्रक्शन मतलब करीब 15वीं सदी से स्टार्ट होके करीब आपके वो आया आपके 16वीं सदी तक, 200-300 साल तक बनाते रहे। अगर आप ये रोलिंग वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, मतलब महल का जो गेट है, जो महल का गेट है वो सामने है इधर पे। जैसे कोई दुश्मन अटैक करता था तो क्लैपिंग के जरिए थोड़ा सा मतलब बताते थे, और यहाँ से स्टोन को रोल किया जाता था। स्टोन या मतलब उस टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ होगा बारूद वगैरह, तो ऐसा कुछ रहा होगा, तो स्टोन रोल करके मतलब उनको बड़े बड़े स्टोन यहाँ पर रोल कर दिए जाते थे, और उन लोग को दबा दिया जाता था उस स्टोन के नीचे। इसलिए इसको ऐसा स्लोप वाला बनाया गया है। मोस्टली जितने भी महल होते हैं इंडिया में, उनमें ऐसा ही कुछ है। तो देखिए, आगरा का किला भारत के किलों में विशिष्ट है, जो सभी प्रारंभिक मुगलों शासकों द्वारा स्थान रहा है। यह किला एक प्राचीन स्तर पर निर्मित, जो पारंपरिक रूप से बादलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था। इस किले पर गजनी की सेना ने कुछ समय के लिए कब्जा किया, जब 15वीं सदी में मतलब चाहमान राजपूत शासकों से अधिकार लिया। बाद में उसमें लोधी वंश का इसमें था आपका अधिकार, लेकिन जब पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, तो इब्राहिम लोधी उस युद्ध में हार गया। उसके बाद मुगलों का इसमें शासनकाल हो गया। फिर उसके बाद जब हुमायूं का शासनकाल आया 1940 में दोबारा, तो इसको फिर 1950 में दोबारा बनाना स्टार्ट हुआ है। तो कुछ मतलब इसको बादलगढ़ नाम से मानते थे, तब उसने पहले दिल्ली से मतलब सल्तनत आगरा में आई थी ना, तब यहाँ पर इस किले का निर्माण स्टार्ट हुआ था लोधी वंश के टाइम पे। फिर उसके बाद से इस पर पूरा मुगल एम्पायर का ही राज्य रहा, और 1983 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में कर दिया। तो इस मुख्य मतलब बहुत सारे इसमें भाग हैं, तो आज हम लोग पूरा विजिट करेंगे ये वाले पूरे हिस्से को। तो इसमें अलग अलग जो पार्ट हैं वो अलग अलग राजाओं द्वारा, मुगल शासकों द्वारा बनाए गए, क्योंकि ये महल इतना बड़ा है कि इसे बनाना इतना आसान नहीं था कि मतलब कि ये एक ही सल्तनत पूरा बन जाए, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है तो इसे बनाने में लगे हैं साल बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो ये मतलब जो महल था वो हुमायूं के टाइम से बनना स्टार्ट हुआ, 1537वीं शताब्दी से मतलब, तो तब से ये महल बन रहा है। तो ये सामने वाला जो हिस्सा है, इसे शायद जहांगीर भवन बोलते हैं, क्योंकि ये जहांगीर ने बनाया। तो इस महल के क्या है, अलग अलग पार्ट हैं, तो अलग अलग पार्ट में क्या है कि हर मतलब जितने भी मुगल एम्परर हुए थे, उन्होंने जितने भी मतलब आए, तो उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें बनाया हुआ है। जैसे औरंगजेब ने कुछ बनाया हुआ है, अकबर ने कुछ बनाया हुआ है, और साथ साथ में शाहजहां ने भी बहुत कुछ बनाया हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसे शायद जहांगीर भवन बोलते हैं, जहाँ से मतलब महल की इस रेड फोर्ट, आगरा का लाल किला भी बोल सकते हैं इसको, तो उसकी मतलब शुरुआत होती है। और अंदर से ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है, और आप देख सकते हैं चारों ओर का नज़ारा कुछ ऐसा है। कि हम लोग हैं शाहजहानी महल में, जो 1628 से लेकर 1635 तक बना हुआ है, यानी कि ये जो महल है जहांगीर महल और ख़ास महल और लाल पत्थर जहांगीर महल के बीच में स्थित है, और दो भिन्न युगों में है। ये उन्होंने बनाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने। तो ये वाला देख लेते हैं। तो मैंने बोला ना आपको, अलग अलग एम्परर आए तो उन्होंने अलग अलग ढंग से इसको बनाया है आगरा के फोर्ट को, और यहाँ बहुत हल्ला हुल्ला हो रहा है। एक्चुअली ये पूरा किया था, पूरा नक्काशी था मालूम है, अंग्रेज लोग इसे पूरा यहाँ पूरे सोने के आभूषण वगैरह लगे हुए थे, तो अंग्रेज लोग पूरा इसे मतलब उखाड़ के ले गए जाने के बाद मतलब यहाँ से। ये पूरा सोने का बना था। देखिए ये पूरा अंदर क्या है, ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा शाहजहां महल पूरा का पूरा है, ये देखिए।
देखिए इतना हल्ला उल्ला है, हल्ला गुल्ला बहुत है और इतना ज़्यादा मतलब यहाँ शोरगुल है, तो अब मैं आपको क्या बताऊँ। तो एज ए सेम ये वाला भी पूरा सोने से चांदी से पूरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ था अंदर साइड से, लेकिन इसको अंग्रेज लोग जाते हुए तो लेके ऐसा लोग बोलते हैं, और यहीं शाहजहाँ को कैद किया गया था, यहीं से वो दीदार करता था ताजमहल का। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सामने बिल्कुल यहाँ से देखिए ताजमहल दिखाई देता है वो, तो यहाँ से ताजमहल मतलब पूरा दिखाई देता है। तो यहाँ से शाहजहाँ जी करते थे दीदार ताज का। तो जब शाहजहाँ को कैद किया था तो औरंगजेब नहीं पी गया था, यहीं से वो देखता था सामने ताजमहल को। ये आप देख सकते हैं ये वहाँ का नज़ारा है, और यहाँ पर पूरा वो देखिए आप जेल वही बनी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा व्यू दूसरे साइड से दिखाता हूँ। तो लेकिन एक चीज़ और थी, जहांगीर की न्याय की जंजीर 1605 ईस्वी में जंजीर ए अदल भी यहीं बनाई गई थी उस टाइम पे। मतलब न्याय की जंजीर जो कोई आता था उस घड़ी उस मतलब उसे बजाता था घंटी को, और घंटी बजा के उसको मतलब उसकी फरियाद सुनी जाती थी, ऐसा कुछ है। उसकी लंबाई 80 थी, 80 फीट की, और 60 घंटियाँ लगी थी, और एक एक घंटी का वजन 1 क्विंटल था। उसका एक छोर समीप थी शाहबुज के कंगूरे से बधा हुआ था, दूसरा नदी के किनारे पर पत्थर के खंभे से बधा हुआ था। तो ये वो है देखिए जहाँ पर शाहजहाँ उस टाइम में कैद था, मुसम्मन बुर्ज से बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। तो ये है पूरा दीवाने खास, ये पूरा जहाँ पर अपना दरबार लगता था, दरबार लग के ये बैठा था। आप इसमें देख रहे हैं ना, एक ये कभी कुछ युद्ध हुआ था तो ये उसकी वजह से यहाँ पर क्रैक भी आ गया इसके ऊपर, ऐसा लोग बोलते हैं। तो तख्त जहांगीर का सिंहासन शहजादा सलीम ने इलाहाबाद में 1602 ईस्वी में बनवाया था, उसने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वह 1605 ईस्वी में बादशाह के बना मंत्री हुआ, सिंहासन वहीं पड़ा रहा। उसे 1600 ईस्वी में इलाहाबाद से आगरा लाया गया, और जहांगीर के महल में झरोके के समीप रख दिया। विदेशी यात्री विलियम हॉकिंस ने इस सिंहासन को महल में रखा हुआ देखा था, तब अब यह महल तो नहीं किंतु सिंहासन वहीं रखा हुआ है। जहांगीर ने इसे अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया कि प्रसन्नता में उसने लिखा, संगे महक अथवा कसौटी पत्थर का बना है, अत्यंत चमकदार काले रंग का, दिख गया आपको काले रंग का ये बना हुआ है। तो इसे तख्ते जहांगीर बोलते हैं, और ये जो एरिया है इसे बोलते हैं दीवान ए खास। श्वेत संगमरमर का यह महल मुगल सम्राट शाहजहां ने 1635 ईस्वी में बनाया था, जिसमें दो बड़े कक्ष एक खम्भेदार कक्ष था, एक भित्तिदार कक्ष अंदर है, और दोनों परस्पर संबंध है। आगे 9 से युक्त 5 मेहराब, तो मतलब ये बनाया गया है सम्राट शाहजहां द्वारा पूरा का पूरा। ये सामने पूरा बेटा पीछे रहो। तो यहाँ बहुत सारे आज बच्चे आए हुए हैं स्कूल के, जो आए हैं दिल्ली से, तो उन्हीं का ये टूर चल रहा है मोमिनन का। अभी तुम कहाँ घूम रही हो बेटा, हैं? इसे बोलते थे, अभी तुम इससे पहले गई थी दीवाने खास में। दीवाने खास मतलब खास लोगों का, मंत्री सेनापति ये सब लोग। ये है दीवाने आम। यहाँ पे क्या होता, हर फ्राइडे के दिन क्या होता था कि लोग आते थे अपनी फरियाद लेके, उनकी यहाँ पर सुनी जाती थी, मतलब जो था वो था ऊपर दीवाने खास। ये है दीवाने आम, आम मतलब आम आदमी, ऊपर दीवाने मतलब खास लोग, तो प्रजा। हाँ तो प्रजा लोग आते थे, तो टोटल 92 पीपल को अलाउड होता था यहाँ पे, ठीक है। आई बात, 92 पीपल लोग अलाउड होते थे, वो सिर्फ एवरी फ्राइडे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये था दीवाने आम। तो ये महल काफ़ी बड़ा है, कुछ कुछ चीज़ें छूट भी जाएंगी भाई उसमें, हम कोई इतने बड़े ज्ञानी तो है नहीं, जितना जितना पता है उतना उतना बता रहे हैं। और आज धूप भी पूरी को परचम पे है, निहारिका को बेटा को जुकाम लग गया है, तो कोई दिक्कत यह है। तो महल का जो ये वाला हिस्सा दिखाया दिख रहा है ना आपको, ये औरंगजेब ने बनाया, बाकी देखो कहीं जहांगीर ने बनाया, कहीं शाहजहां ने बनाया, कुछ हुमायूं बनाया, थोड़ा बहुत अकबर ने बनाया है नहीं बनाया ये मालूम नहीं, क्योंकि अकबर
यहाँ से आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में उसका महल था, फतेहपुर सिकरी जहाँ बुलंद दरवाज़ा है। लेकिन ये वाला जो है ये बनाया है औरंगजेब ने, ये वाला कस्बा है। उधर अलाउड नहीं है लोग, पता नहीं क्यों, क्योंकि उस साइड में कहते ऑफिस है, उधर सरकारी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है इस महल का, देखते हैं आगे और क्या दिखने वाला है। तो ये था आगरा का लाल किला बोलो या आगरा फोर्ट बोलो, तो ये था उसकी खूबसूरती के बारे में कुछ व्याख्यान। अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना जाइएगा।